नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में। और एक बार फिर से हाजिर हैं हरियाणा की 20 बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के पंचायत का फरमान, 24 घंटे के अंदर कश्मीरी किराएदारों को मकान से निकालो बाहर। महिला से दुष्कर्म करके बना दिया वीडियो और फिर देने लगा जान से मारने की धमकी। हरियाणा स्वर्णकार संघ ने आतंकी के खिलाफ खोला मोर्चा, नारेबाजी करके बंद करवाए बाजार। कैथल अंबाला रोड पर दर्दनाक हादसा, स्कूटी पर सवार युवती की मौका ए वारदात पर तड़प तड़प कर मौत। हरियाणवी कलाकारों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, बोले निंदा नहीं बदला लो सरकार। ऑल इंडिया एग्री लीडरशिप समिट का समापन समारोह आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। हिसार शॉर्ट सर्किट मामला, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम, अब तक 5 की मौत। पुलवामा हमले के बाद बोले सीएम खट्टर, अब स्थायी समाधान के लिए युद्ध का समय। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा देश के जवानों के साथ कायराना हरकत करने वालों को सबक सिखाओ। सरकार के फैसले, 500 करोड़ रुपए तक की इंडस्ट्री लगाने पर 25% खर्च करे देगी। ओपी चौटाला ने कहा, गठबंधन होना और टूटना आम बात है, समान विचारधारा वाले दलों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 से, कैप्टन अभिमन्यु 26 को करेंगे बजट पेश। कांग्रेस के संगठन विस्तार में हरियाणा के युवा नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय सेना देगी पुलवामा आतंकी हमले का जवाब। हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम और नियमितीकरण बिल पर फिर से एक हुए कर्मचारी। पुलवामा हमले के बाद देश में गम और गुस्सा, इधर भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस की रैली में लगे झुमके। सीएम मनोहर लाल का ट्वीट, भगवान कृष्ण का दिया संदेश, कहा शांति के लिए युद्ध भी करना आवश्यक। युवाओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 करने की जरूरत। करनाल पुलिस को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। ये थी हरियाणा की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हम इसी वक्त, हर रोज की तरह देखते रहें हमारा चैनल। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।